दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में अब सारा चीज ऑनलाइन सिस्टम क्या जा रहा है, तो उसी के तहत बिहार में बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड के द्वारा जो है वस्तानिया फोकानिया मौलवी का जो एडमिशन है वो ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो किस तरह ऑनलाइन अप्लाई एडमिशन कर सकते हैं सारा चीज आपको बताएंगे, किस तरह फोकानिया में कर सकते हैं, किस तरह वस्तानिया में कर सकते हैं, किस तरह मौलवी में कर सकते हैं। अगर तीनों पार्ट तीनों क्लास का मैं अगर एक ही वीडियो में बताऊँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ वस्तानिया के बारे में बताया हूँ। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फोकानिया के बारे में और उसके बाद मौलवी के बारे में बता दूंगा कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो कैसे शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे देख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करेंगे जीशान मॉनिटर, आपको ये लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपकी काम की बहुत सारे वीडियो को पहले से बना के रख दिया जिससे आपको बहुत सारे फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी काम की बहुत सारे वीडियो, अगर आप शॉप चलाते तो आपने अपने शॉप को किस तरह आप बैंकिंग सेवा स्टार्ट कर सकते हैं, रुपया निकासी जमा कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बना दिया हूँ, ये वीडियो में दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो देखिए हाउ टू बिकम स्पाइस मनी रिटेलर, ठीक है। यहाँ पे आप बैंकिंग सेवा ले सकते हैं, बैंकिंग आईडी अपने दुकान पे बैंकिंग सुविधा दे सकते हैं। इस वीडियो को देख के पूरी तरह किस तरह अप्लाई करते हैं और बहुत सारे आपको मैंने आवासीय जाति किस तरह डाउनलोड करते हैं, किस तरह अप्लाई करते हैं, किस तरह विकलांग प्रमाण पत्र बनाते हैं, सारा चीज़ आपको ऑनलाइन जो होता है सारा चीज़ आपको इस वीडियो में वीडियो बनाकर बताते रहते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया जो कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की ये वेबसाइट है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस पर जैसे आएंगे यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं रजिस्टर न्यू कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन 2020। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पूछ रहा है आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते, वस्तानिया फोकानिया मौलवी। तो चलिए मैं इस वीडियो वस्तानिया के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, वस्तानिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट योर मदरसा, जिस मदरसा में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उस वो मदरसा कौन सा जिला में, वो आपको सेलेक्ट यहाँ पे करना होगा। उसके बाद उस जिले में जितने भी मदरसे होंगे तो वो मदरसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मदरसा का नाम आपको देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मदरसा यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे जो मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे मदरसे आ रहे हैं। तो देखिए मैं तो यहाँ पे आपको जिला जो सिलेक्ट करना है, जो भी जिला सिलेक्ट, जो भी आपके जिला है, जो भी जिला के मदरसा में आप लेना चाहते हैं आवेदन वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं अररिया सिलेक्ट करता हूँ, अररिया सिलेक्ट करने के बाद अब जो यहाँ पे जो मदरसा होगा अररिया का वो सारा मदरसा यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे देखिए कुछ सिर्फ अभी जो है अररिया जिला का जो मदरसा वो शो कर रहा है, ठीक है। इसलिए अगर आपका जिला सिलेक्ट करने पर आपकी जिला का मदरसा शो नहीं करता है तो वेट कर लीजिए, इसमें अपडेट क्या जा रहा है, धीरे धीरे सही मदरसा को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो जिस तरह ये मदरसा ऐड हो चुका है तो उसके बाद यहाँ पे नीचे में आता है सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपके द्वारा भरा गया डिटेल सही है तो ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करना, यहाँ पे कैंडिडेट नेम जो भी स्टूडेंट का नाम होगा वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, उसके बाद यहाँ पे मदर का फादर का नेम देना है, उसके बाद मदर का नाम, उसके बाद आप कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे एड्रेस देना है, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे पूछा रिलीजन, यानी कि पूछा आप किस धर्म से हैं, इस्लाम से है या हिंदू है या अदर कोई, चलिए मैं इस्लाम सेलेक्ट करता हूँ। इस्लाम से तो कौन से कास्ट आपका, कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो जनरल में मैं आता हूँ, ये सिलेक्ट करूँ जिसका अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पूछा हैंडीकैप कैटेगरी, क्या आप विकलांग वगैरह हैं, तो यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, अगर है तो किस प्रकार का, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कैटेगरी आ रहा है, मतलब आप रेगुलर या प्राइवेट में करना चाहते हैं तो रेगुलर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट दिनियात पेपर, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ये एक मार्कशीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट दिनियात पेपर सुन्नी या सिया,
तो सुन्नी में सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पूरा डिटेल वगैरह, नाम वगैरह, जो सारा चीज़ जो था, सारा चीज़ फिलअप कर चुका हूँ। फिलअप करने के बाद आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा कि आपके द्वारा भरा गया डिटेल सही है, तो ओके कर देंगे। अगर नहीं है तो कैंसिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट करना है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है अपलोड फोटो अप टू 100 KB और यहाँ पे सिग्नेचर। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है जो फोटो 100 KB से कम उनका साइज होना चाहिए, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। किसी भी फोटो या सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी कंप्यूटर में ओपन कर लेना, और जहाँ भी आपका फोटो होगा, जिस कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हो, उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सेलेक्ट हो चुका। उसी के साथ यहाँ पे मैं सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए सिग्नेचर सिग्नेचर में अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरी चीज़ आपकी, जो आपका कैंडिडेट रेफरेंस नंबर, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरह मिल जाते हैं। उसके बाद करना कुछ सिंपली से, यहाँ पे प्रिंट वाले एक ऑप्शन है, प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। यह आपका अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कर लेना है, अगर आप चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ सेव कर सकते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ अपने सिस्टम में इसको, ठीक है। ये सेव हो चुका है। अब आपका वस्तानिया का इस मदरसा के लिए अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे नॉमनी मदरसा का जो नॉमनी नॉमिनेटेड नंबर है, वो यहाँ पे 003 आपको दिखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस रिसिप्ट को आपको मदरसा में जमा करना है या नहीं करना है, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। मैं आपको जानकारी अवेलेबल करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं आपको बता दूंगा कि यह रिसिप्ट को आपको मदरसा में जमा करना है या ना करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ किस तरह फोकानिया में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह वस्तानिया में कर सकते हैं, सॉरी किस तरह फोकानिया में, किस तरह मौलवी में कर सकते हैं। तो पूरी चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपने सीख लिया किस तरह वस्तानिया में अप्लाई करते हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।